हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ चाइनीज़ रोल। आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हो सकता है, देख लीजिए। मैदा, आटा, रिफाइंड ऑयल, नमक, दूध, रेड चिल्ली पाउडर, चीनी, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चिल्ली सॉस। यहाँ हमारे पास वेजिटेबल है, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया पत्ता। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो हम एक बर्तन में आटा और मैदा गूंद लेते हैं। आटा 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, नमक, चीनी 2 चुटकी, दूध मिक्स करना है। एक चम्मच तेल, थोड़ा पानी भी ऐड करना है जरूरत के अनुसार। मेरा डो तैयार हो चुका है, इसे आधा घंटे के लिए रख देंगे अब। और साथ ही साथ हम वेजिटेबल तैयार करेंगे। तो अब हम रोल का मसाला बनाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले लहसुन अदरक को डालेंगे बारीक कटे हुए। हरी मिर्च, ओनियन, कैप्सिकम, जुलियन, गाजर, जुलियन, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, टोमेटो सॉस 1 चम्मच, चिल्ली सॉस 1/2 चम्मच, सोया सॉस 2 बूंद, इसे हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो ये तैयार हो चुका है। और लास्ट में धनिया पत्ता डालना है। मसाला तैयार हो चुका है, धनिया पत्ता डाल रहे हैं। तो हम रोल का रोटी तैयार करने जा रहे हैं। तेल लेंगे, तेल देंगे, और डस्टिंग पाउडर यूज करेंगे पलट करके। हाँ, और इसे लच्छा का पराठा की तरह बनाना है। इस तरह से डो तैयार करना है, देख सकते हैं आप। और इसे फिर से एक बार बेल लेना है। लच्छेदार पराठा की तरह बनेगा ये। इसे इस तरह से बेल लेना है बड़ा आकार में। तो इसे हम तवा में सेकते हैं आप। तो इसे हम सेकते हैं रोटी की तरह। साथ ही हम अंडा फेंट लेते हैं। 2 अंडा मैंने लिया है अंडा रोल के लिए। थोड़ा तेल डालेंगे, इसे इस तरह से घुमा लेंगे। अब हम अंडा डालेंगे रोटी के ऊपर।
इस तरह से अंडे को फैला लेना है। इसे अब हम पलट देंगे। तो ये तैयार हो चुका है। अब हम रोल करते हैं इसे। एल्युमिनियम फोल लगाएंगे इसके ऊपर। तो रोल तैयार हो चुका है। इसे आप सॉस के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।